नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आयुर्वेदिक चैनल आरोग्य भाव में। दोस्तों, जैसा कि आपने अक्सर देखा होगा कि कभी कभी हमारी आँखों की पलकों के किनारे पर एक छोटा सा दाना हो जाता है जो धीरे धीरे हल्का हल्का दर्द करता रहता है, कभी कभी तेज दर्द भी होता है और पक जाता है, उसमें मवाद भी उसके अंदर हो जाती है और वो लगातार पीड़ा देता रहता है, जिसको हम गुहेरी के नाम से भी जानते हैं और आयुर्वेद में अंजन नामिका के नाम से इसे जाना जाता है या गोहांजनी के नाम से भी हम इसको जानते हैं। लेकिन ये समस्या आम तौर से लोगों के अंदर कभी कभी देखी जाती है और लोग बड़े परेशान होते हैं। तो अब मैं इस वीडियो में आंखों की गुहेरी का इलाज आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खों द्वारा आपको बताऊंगा किस प्रकार से आप घर में ही बड़ी आसानी से गुहेरी की समस्या को ठीक कर सकते हैं। और ये गुहेरी की समस्या को दूर करने वाली वीडियो का पहला भाग है। दोस्तों, इस गुहेरी या गुहांजनी को घरेलू तरीके से ठीक करने का पहला नुस्खा है लौंग, यानी लौंग के द्वारा आप इसको किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं मैं बताता हूँ। एक लौंग लीजिए, उस लौंग के ऊपर जो गोल गोल फूल होता है आप उसको हटा दीजिए और उसी साइड से किसी पत्थर पर एक या दो बूंद पानी डालकर उसे धीरे धीरे हल्के हाथ से आप घिस लीजिए। घिसने से वो एक पेस्ट सा बन जाएगा, हल्का सा पेस्ट सा बनेगा। उसको उंगली से लेकर आँख की पलक पर, जहाँ पर भी गुहांजनी या गुहेरी, जहाँ पर भी वो दाना निकला हुआ है, उस स्थान पर आराम से हल्के हाथ से उसको आप लगा दीजिए। ऐसा दिन में दो या तीन बार करने से एक दो दिन में ही गुहेरी बिल्कुल समाप्त हो जाती है। दोस्तों, ये था पहला नुस्खा आँख की गुहेरी या गुहांजनी को ठीक करने का। और अपनी आगे आने वाली वीडियोस में मैं इसके बाकी के और नुस्खे आपको बताता रहूँगा। यदि वो नुस्खे भी आपको जानने हैं तो आप मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही और अगली वीडियो में फिर आपके लिए एक स्वास्थ्यवर्धक नई जानकारी लेकर आऊँगा। आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।